अता पता लापता, अता पता मीन्स एड्रेस, लापता मीन्स लॉस्ट, एड्रेस लॉस्ट। हमने ये एड्रेस लॉस्ट करके ये अता पता लापता नामक फिल्म बना के अपने जीवन में एक नया पता खोजने की कोशिश की। एक म्यूजिकल सटायर है, एक ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिकल क्योस है। आपको अंदर क्या बताऊं, बड़ी गंभीर विषय वस्तु है, बड़ी चिंतन करने वाली फिल्म है। आजकल इस दुनिया में रोज अनगिनत अजूबी बेसिर पैर कहानियां घट रही हैं। आधी दुनिया कहने लगती है इसका सिर पैर है, आधी दुनिया कहने लगती है इसका सिर पैर नहीं है। लेकिन कोई डायरेक्ट वे में कोई इनडायरेक्ट में शामिल सबको होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे चारों तरफ जाते हैं। तो पिछले 4-5 साल से हमने इस देश दुनिया में जो उछल कूद उथल पुथल देखी है, उसका उस सच्चाई का या उस खेल की सच्चाई का जो है मनोरंजन के रूप में रिप्रेजेंटेशन इसका करने की कोशिश की है। फिल्म इन थिएटर, चूँकि हमारी अपकमिंग थिएटर से है तो हम ये थिएटर को डेडिकेट करना चाहते हैं फिल्म, और चूँकि हम सिनेमा से हमारा जीवन बना है तो हम सिनेमा को डेडिकेट करना चाहते हैं। और साथ में जो देश दुनिया की ऑडियंस से जिससे हमें किचन किचन में प्यार मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है, तो हमारे देश की दुनिया की जनता को समर्पित करना चाहता हूँ ये फिल्म। फिल्म इन थिएटर, थिएटर इन फिल्म, एक अगर इसको फिल्म ना बोल के अगर बोलें कि देसी ब्रॉडवे है, ना इसमें बॉलीवुड है ना इसमें हॉलीवुड है, एक अलग तरीके की प्रस्तुति है जिसमें एक हमारी फिल्म का डायलॉग है, लेट्स डू रिमिक्स ट्रुथ विद एंटरटेनमेंट। तो हमारा मतलब रिमिक्स मतलब जो हमारी धरोहर के रूप में हमारी कल्चर, हमारे कलर, हमारी संस्कृति, तो उसकी चादर पे जो है हमने ये सब्जेक्ट रख के एक म्यूजिकल, ताकि हर 2-4 मिनट में आप खूबसूरत लाइन मिले, हर 2-4 मिनट के बाद आप खूबसूरत डायलॉग मिले, और उसके साथ में खूबसूरत आपको जो है प्रेजेंटेशन मिले, और साथ इसके साथ में आपको मीनिंग मिले और आपको मोटिवेशन मिले। और साथ में राजपाल यादव हैं या कोई भी हो, सिनेमा का दूसरा नाम है मनोरंजन, मनोरंजन कूट कूट के मिले। ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारा ये भी सपना था कि एक ऐसी फिल्म बनाऊं, बहुत दिनों से हमने अपने घर में सिनेमा डिस्कस करते लोगों को नहीं देखा, अपने घर में ही अलग अलग सिनेमा को अलग अलग लोग खंडों में डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारी इच्छा थी कि हम किचन का सिनेमा बना पाए, जिसमें किचन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बाप माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सब एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और फिल्म की चर्चा भी करते हैं। तो ये फिल्म एक कंप्लीट क्यू सर्टिफिकेट के साथ में पूरी पारिवारिक फिल्म है, मीनिंगफुल फिल्म है, मनोरंजक फिल्म है। लेकिन आपको जब फिल्म देख के निकलें तो आपको खुद एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आप खुद उस फिल्म के हिस्सा लगें, तो हमारे बनाने में ये फिल्म कामयाबी है। म्यूजिकल सटायर में हर चीज़ बहुत गंभीरता से बोली जाती है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत डेप्थफुल होता है। और इसी तरीके से कि इस फिल्म में हमने हमारे देश में या हमारी दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है अलग अलग कॉर्नर्स पे, उनको बगैर किसी पे उंगली उठाए, बगैर किसी पे पॉइंट किए हुए एक मनोरंजन के रूप में इसका ताना बाना बुनने की कोशिश की है। और जैसा कि भैया ने पूछा कि इस फिल्म में दोहरा चरित्र है, तो चूँकि ये सटायर है, सटायर का मतलब व्यंग्यात्मक, लेकिन बहुत पॉजिटिव व्यंग्यात्मक फिल्म है। अब जैसे अगर आप देखेंगे, ये टोपी वाला कैरेक्टर जो है वो सत्यानंद चतुर्वेदी है, और ये जो है मानव चतुर्वेदी है। ये मानव चतुर्वेदी मानव मनुष्य का रिप्रेजेंटेशन है, सत्यानंद चतुर्वेदी जो है वो सत्य का रिप्रेजेंटेशन है। एक सत्य बोलता है और एक समस्याएं बोलता है। इस चीज के ताने बाने के बीच में लगभग 170 कलाकारों की एक टीम ने इस फिल्म को जो है डिजाइन करने में अपना सहयोग दिया है। और थोड़ा चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट था, उसकी पेशगी बड़ी सरल थी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बनाना, क्योंकि पूरी फिल्म लगभग बीट पे है, इसमें म्यूजिक जो है वो कहानी ड्रामा के थ्रू परफॉर्म कर पा रहे हैं, और जो ड्रामा के थ्रू परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसको गा बजा नाच के और बोल के कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए म्यूजिक और कहानी, डांस, गाना बजाना, डायलॉग सब एक दूसरे के कजिन हैं इस फिल्म।